हेलो स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं क्लास सेवन ज्योग्राफी का चैप्टर थ्री जिसका नाम है अवर चेंजिंग अर्थ। ये पार्ट सेकंड वीडियो है। पिछली वीडियो में हमने पढ़ा था एंडोजेनिक फोर्सेस के बारे में, वो फोर्सेस जो अर्थ के अंदर से लगते हैं। आज हम पढ़ेंगे एक्सोजेनिक फोर्सेस के बारे में जो अर्थ के बाहर रहकर के काम करते हैं। तो एंडोजेनिक फोर्सेस को बहिर्जनिक फोर्सेस भी बोलते हैं, बहिर्जनिक ताकतें। अभी एंडोजेनिक फोर्सेस क्या काम करती हैं? ये काम करती हैं जो भी हमारे अर्थ के ऊपर लैंडफॉर्म्स हैं, जैसे कि माउंटेन्स, प्लेन्स, डेजर्ट एक्सेट्रा, इन सबको बनाने में। इन सबको बनाने का काम एक ही चीज से शुरू होता है, वो है सॉइल। यानी कि इन फोर्सेस को मेनली सोइल को बनाना है या उसको कन्वर्ट करना है किसी दूसरी चीज में। तो सोइल को बनाने की प्रोसेस कहलाती है वेदरिंग। और इसका मेन कॉन्सेप्ट होता है इरोजन। यानी कि कोई भी पत्थर है उसका इरोजन होगा, धीरे धीरे वो पत्थर कटेगा, उससे मिट्टी बनेगी और इस प्रोसेस को वेदरिंग कहा जाएगा। इस इरोजन को मेनली दो चीजें का करवाती है, वो है वाटर और एयर। अब ये जो वाटर है ये तीन चीजों से इसका इरोजन करता है। सबसे पहला है रिवर, सेकंड है सी वेव्स और थर्ड है ग्लेशियर्स। और एयर जो काम करती है वो करती है विंड के रूप में, यानी जो हवा चलेगी उसे हम विंड बोलते हैं। तो इरोजन होगा, इरोजन होगा तो मिट्टी कटेगी, उसको वेदरिंग बोलते हैं। और वेदरिंग बनने से सॉइल हो जाए बन जाएगी और सॉइल इन सब चीजों को बनाएगी। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे रिवर के बारे में कि रिवर कैसे वेदरिंग करके इन सब चीजों को बनाने में अपना रोल निभाती है। तो जैसा कि हमें सबको पता ही होगा कि जो रिवर है पहाड़ों से निकलती है, बर्फ पिघलती है, रो पिघली हुई बर्फ एक जगह इकट्ठी हो जाती है, उससे पानी बनता है, रो बहता हुआ रिवर को बनाता है। तो सबसे पहले जो रिवर लैंडफॉर्म बनाती है वो होता है हमारा वाटरफॉल। अब मान लीजिए कि ये एक पहाड़ी है, यहां से रिवर बह रही है। अब रास्ता नीचे जा रहा है तो ये रिवर नीचे गिरेगी और यहां पर टकराएगी। जैसे ही रिवर ऊपर से गिरेगी तो फोर्स के साथ नीचे आएगी और इस एरिया से कुछ मिट्टी को, कुछ पत्थरों को ये काटेगी और थोड़ा गहरा कर देगी और टकराकर इस तरह आगे निकल जाएगी। अब ये प्रोसेस होती रहेगी और धीरे धीरे जमीन गहरी होती रहेगी। तो जो रिवर है, जहां भी वाटरफॉल होता है रिवर में, वहां पर एक गहराई होती है उस जगह पर जहां पर पानी गिरता है। तो सबसे पहले जो रिवर है वाटरफॉल बनाती है जब ये पहाड़ों से नीचे गिरती है। उसके बाद रिवर प्लेन्स में आ जाती है और ये बनाती है मेंडर। इसको हिंदी में भी मेंडर ही कहा जाता है। अभी मेंडर क्या होता है, मान लीजिए ये एक प्लेन है और रिवर यहां से बह रही है। अब रिवर कभी भी सीधी नहीं रहती, ये हमेशा कर्व में रहती है, तो इन्हीं कर्व्स को मेंडर बोला जाता है। अब इस मेंडर के अंदर ये रिवर क्या करेगी, पानी इस तरह बह रहा है लेकिन पानी हमेशा अपने आप नहीं घूमता, पानी के लिए अगर टकराने के बाद घूमता है। मान लीजिए पानी पीछे से आया और यहां टकराया, यहां पर पानी टकराएगा, इधर मुड़ेगा, फिर यहां से यहां जाएगा, इस तरह पानी ज़िगज़ैग पैटर्न में आगे बढ़ेगा। अब इस पोर्शन को थोड़ा जूम करके देखते हैं। मान लीजिए ये इस तरह का पोर्शन है, मैं इसको दोबारा ड्रॉ कर देता हूं।
ये इस तरह हमारा मेंढर है, पानी यहां से आया, यहां टकराकर यहां गया। अब धीरे धीरे क्या होगा कि पानी यहां टकराया है तो इस एरिया को गहरा करना शुरू कर देगा और ये इस तरह बंद बन जाएगा ऐसे ही यहां। तो धीरे धीरे ये इसको गहरा करता जाएगा और गहरा करेगा और गहरा करेगा और एक समय ऐसा आएगा कि ये एरिया अलग हो जाएगा और नदी कुछ ऐसे हो जाएगी। ध्यान से देखना बच्चों, ये नदी आ रही थी, पानी ने यहां से काटना शुरू करा और इस पूरे एरिया को अलग कर दिया और नदी ने अपना रास्ता बदल लिया। अब नदी इस तरह हो गई, यहां सीधी और आगे जाकर फिर से मेंढर, और ये जो एरिया था ये कुछ इस तरह का हो जाएगा। इसको हम बोलते हैं ऑक्सबो लेक्स, हिंदी में गोखुर झील या चाप झील, गोखुर या चाप झील। तो ये झीलें नदी बनाती है मैदानी इलाकों में। इसकी इमेज आप देख सकते हो कि नदी किस तरह से गोखुर झील मेंढर बनाती है। अब ये नदी आगे बढ़ती है और आगे बढ़ती है इसको गिरना होता है समुद्र में। जब ये नदी समुद्र में गिरने वाली होती है तो इसकी स्पीड बहुत ज्यादा कम हो जाती है और अपने साथ ये जो मिट्टी बाहर कर लाती है उसको इकट्ठा करना शुरू कर देती है। वो जो मिट्टी है ये मैदानी इलाकों में भी इकट्ठी हो जाती है जब बाढ़ आती है। अब बाढ़ आने पर होता है, मान लीजिए ये नदी है, पानी आ रहा है बहुत सारा और इसने पानी की क्वांटिटी इतनी ज्यादा होगी कि वो इन किनारों से बाहर निकल गया दोनों तरफ से। अब जो अपने साथी मिट्टी लाया था वो पूरे इलाके में ले जाएगा और उस मिट्टी को का जो पानी की रफ्तार पीछे से कम होगी तो उस मिट्टी को वहीं छोड़ के पानी आगे बैठ जाएगा। तो ये जो सारा इलाका है ये कहलाता है फ्लड प्लेन्स। इसके बारे में आपने सिक्स क्लास में भी पढ़ा था। और फ्लड प्लेन्स बहुत उपजाऊ होते हैं क्योंकि जो मिट्टी है इसमें बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं, ह्यूमस होता है, जिस वजह से यहाँ पर खेती बहुत अच्छे से हो सकती है। अब वापिस चलते हैं, जब नदी समुद्र में गिरने वाली होती है तो ये नदी बह रही है यहां आगे समुद्र में, मान लेते हैं यहां पर नदी की स्पीड बहुत कम है तो अपने साथ जो मिट्टी लाती है उसे आगे भागकर ले जा नहीं सकती तो उस मिट्टी को वहीं छोड़ देती है। मान लीजिए नदी बह रही है और यहां इसने मिट्टी छोड़ दी, ऐसे ही आगे बढ़ेगी, यहां छोड़ दी और आगे बढ़ेगी, यहां छोड़ देगी और स्पीड इतनी कम है कि वो एक डायरेक्शन में भी नहीं बचता, वो पानी फिर फैलता है। जब फैलेगा तो यहां मिट्टी छोड़ दी, यहां छोड़ दी, तो इस तरह जो नदी है एक ट्रायंगुलर शेप में समुद्र में गिरती है जिसको कहा जाता है डेल्टा। तो नदी के पहाड़ से निकलने से लेकर समुद्र में मिलने तक बहुत सारी चीजों का निर्माण करती है, चाहे वो वाटरफॉल हो, मेंढर हो, ऑक्सबो लेक्स हो या डेल्टा हो। अब चलते हैं आगे, जब पानी और ज्यादा वैलिंग करता है तो वो होती है सी वेव्स के द्वारा। अब सी वेव्स समुद्र में या महासागर में ही उठेगी तो होता क्या है, मान लीजिए समुद्र के किनारे के साथ एक पहाड़ है, ये सारा समुद्र है, यहां से लहर आई और यहां टकराई तो जो लहर जब आएगी टकराएगी इस इलाके को काट देगी और टकरा करके वापस चली जाएगी। ध्यान से देखना बच्चों, लहर आई यहां टकराई इस इलाके को साफ करा और काट के ले गई। अब ये इलाका कुछ ऐसा दिखेगा लेकिन लहरें तो आती जाएंगी तो धीरे धीरे इस इलाके को ये लहर साफ करती चली जाएगी और ये कहलाएगी सी केव यानी समुद्री गुफा। अब लहरें का तो आना भी जारी है, धीरे धीरे क्या होगा ये पूरा इलाका खाली हो जाएगा और समुद्र के बीच में जहां पर एक पहाड़ी होगी, मान लीजिए ये वो पहाड़ी थी, तो एक ऐसी आर्क बन जाएगी, ये सारा खाली एरिया है, यहां समुद्र है, पीछे भी समुद्र है, लहरें आगे से पीछे आ रही थी तो ये सब खाली हो जाएगा और ये जो जगह है ये कहलाएगी सी आर्क। C
सी आर की तस्वीर भी आप देख सकते हो, जैसे आपने सी केव की देखी थी। लहरें अभी भी आ रही हैं। अब लहरें क्या करेंगी कि इस सी आर को यहां से काटना शुरू करेंगी, ऊपर टक्कर मारेंगी और धीरे धीरे इसको काटती चली जाएंगी, काटती चली जाएंगी, और एक टाइम ऐसा आएगा कि ये पूरा इलाका खाली हो जाएगा, ये अलग और ये अलग, दो पिलर्स बन जाएंगे। इन पिलर्स को कहा जाता है सी स्टैक्स। इसकी इमेज भी आप साइड में देख सकते हो। तो समुद्र जो है नहरों के माध्यम से इस तरह से लैंड फॉर्म्स बनाता है और सबका बेस एक ही है, इरोजन और वेदरिंग। अब जो इसने काटा मिट्टी को, उस मिट्टी का क्या होता है, तो अपने साथ लहरें उसको भागकर ले जाती हैं और जहां लहरों की स्पीड कम होती है वहां उस मिट्टी को छोड़ देती है। उस मिट्टी से हमारे समुद्र किनारों यानी बीच का निर्माण होता है जिस पर जनरली लोग घूमने, पिकनिक मनाने, खेलने भी जाते हैं। अब आगे चलते हैं ग्लेशियर पर। तो जो ग्लेशियर है ये समुद्र की या एक नदी की तरह ही बहता रहता है, होता है जमा हुआ है लेकिन फिर भी बहता रहता है, क्योंकि जो आइस है वो स्लिपरी होती है, फिसलती है एक दूसरे के ऊपर। मान लीजिए मेरे हाथ है, ये आइस है, तो मैं एक आइस की लेयर दूसरी लेयर के ऊपर इस तरह आगे फिसलेगी और फिसलती है ग्रेविटी की वजह से। तो ग्लेशियर को हम हिम नदी भी बोलते हैं, हिम नदी या हिम नद दोनों बोला जा सकता है। तो जो ग्लेशियर बहता है उसको कहा जाता है मोरनीज। इसकी इमेज आप देख सकते हो कि किस तरह ये बहती है और लेयर हमको आसानी से दिखाई दे भी जाती है। जैसे एक नदी कटाव करती है ऐसे ये भी कटाव करता है, रोशन करता है, लेकिन इसकी स्पीड थोड़ी कम होती है। अब हम चलते हैं हमारी एयर यानी विंड की तरफ। अब विंड से जो कटाव होता है वो हमें जनरली देखने को मिलता है डेजर्ट्स के अंदर, मैदानी इलाकों में, पहाड़ों में इसलिए नहीं होता क्योंकि पेड़ पौधे उस मिट्टी को इरोड होने से या कटाव होने से बचा लेते हैं। तो इस विंड की मदद से सबसे पहले जो बनता है वो होती है सैंड ड्यून्स। सैंड ड्यून्स क्या होते हैं, जस्ट रेत के छोटे से ढेर कह सकते हैं या टीला कह सकते हैं। तो होता यह है, मान लीजिए ये रेगिस्तान है, ये एक सैंड ड्यून था, यहां से हवा आई स्पीड के साथ, इस रेत को अपने साथ उड़ा कर लेके ले गई और यहां पर प्लेन जगह हो गई। अब ये रेत जहां जाएगी अपने साथ सैंड को ले जाएगी, जब भी इस विंड की स्पीड कम होगी तो सैंड नीचे गिरना शुरू होगी। मान लीजिए यहां पर स्पीड कम हो जाती है तो सैंड यहां गिर जाएगी और ये जो टीला था ये बड़ा हो जाएगा। इसी तरह अगले दिन फिर हवा चलेगी, मान लीजिए अगले दिन हवा इस डायरेक्शन से चली तो ये अपने साथ उड़ा करके लाएगी और ये चीज खाली हो जाएगी, और यहां मान लीजिए उसने इसको गिरा दिया तो रेत का टीला यहां बन जाएगा। इसको हम बोलते हैं सैंड ड्यून्स। इसके अलावा एक और लैंडफॉर्म इस विंड से बनता है जिसको कहा जाता है मशरूम रॉक। मशरूम रॉक। अब इसमें होता क्या है, मान लीजिए ये एक रॉक है रेगिस्तान में, हवा आई इसको चारों तरफ से इसके साइड से काटा और धीरे धीरे क्या होगा कुछ सालों में ये रॉक कुछ ऐसी बन जाएगी, ऊपर से मोटी, नीचे से मोटी, बीच में से पतली। इमेज आप साइड में देख सकते हैं कि मशरूम रॉक कैसे दिखती है। तो बच्चों इसी के साथ हमारी एक्सोजेनिक फोर्सेस का टॉपिक भी खत्म होता है। अच्छे से आपने इसको समझा होगा और ये चैप्टर भी हम आज ही समाप्त